We will continue with the mechanism of enzyme action and the activation energy, which is the we have denoted as delta G double dagger. अब ये delta G double dagger वो वाली energy है जो transition state में है और हमने last module में define किया कि transition state क्या है, किस वजह से है. अब इस energy को overcome करेंगे, इस energy barrier को overcome करेंगे तो substrate जो है वो product में convert होगा और this एनर्जी को ओवरकम जिस तक जब ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को ओवरकम करेंगे तो दैट इज नोन एज दी एक्टिवेशन और एनर्जी और डेल्टा जी चेंज इन एनर्जी इन दी व्हिच इज दी डेल्टा जी डबल डैगर. द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा जी डबल डैगर. अब एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी, एक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थी. ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को ओवरकम करना है तो दैट इज ओवरकम करने की जो एनर्जी है उसको हम एनर्जी उसी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल देते हैं कि जब हम इसको ओवरकम करेंगे तो दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. और ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट पर्टिकुलर एंजाइम टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनटू इट्स प्रोडक्ट. The rate of reaction reflects this activation energy. अब rate of reaction जो है वो इस particular activation energy पर depend करता है. The higher the activation energy corresponds to the slow reaction. जितनी ये higher energy होगी activation energy या delta G double dagger जितनी ज्यादा होगी उतना rate of reaction slower होगा और जितनी ये energy कम होगी उतना equilibrium की तरफ reaction easily चला जाएगा. Reaction rates can be increased by raising the temperature, thereby increasing the number of molecules with sufficient energy to overcome the energy barrier. अब ये एनर्जी हमें कहाँ से चाहिए? या तो हम टेम्परेचर को राइज कर दें. टेम्परेचर क्या करेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से बढ़ जाएगा और बाहर से एनर्जी ऐसी दे देगा कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाएगी और उसको चेंज कर देगी. लेकिन ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हम टेम्परेचर रेज इस तरह नहीं कर सकते. तो दूसरा तरीका क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में कि हम इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दें या एंजाइम डाल दें तो वो भी क्या करेगा, जो टेम्परेचर ने उसकी ट्रांजिशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करनी थी, एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा. अल्टरनेटिवली द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी लोअर्ड बाई एडिंग अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट एनहांसेस द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जीज. या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कैटलिस्ट डाल दिया या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो एंजाइम है वो डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली ये एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो लोअर होगी. वी विल सी इन दिस डायग्राम इन डिटेल कि हमने डिफाइन किया था रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को कि इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया था और हमने कहा था ये सबस्ट्रेट टू पी में कन्वर्ट हो रहा है जबकि ये और वर्टिकल एक्सिस पे हमने चेंज इन एनर्जी और फ्री एनर्जी ली थी. ये ग्राउंड स्टेट की सबस्ट्रेट की थी या प्रोडक्ट की जो है ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी लेकिन इसके साथ एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ये यहाँ हमने कहा था अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बहुत ज्यादा है. वी कैन सी दैट दिस मच इज द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में डेल्टा जी डबल डैगर जो है वो यहाँ तक चला गया. अब हमने इसके अंदर एंजाइम डाल दिया तो उसने क्या किया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम प्रोडक्ट बन के अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डेल्टा जी डबल डैगर जो है वो कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से वो ये इतनी सी रह गई जो कि पहले इतनी ज़्यादा थी, यहाँ तक जा रही थी. सो दिस इज द एक्शन ऑफ एंजाइम विच कैटलाइजेस अ पर्टिकुलर रिएक्शन बाय एडिंग अ कैटलिस्ट बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी. द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन the term delta g double dagger uncatalyzed and delta g
double dagger catalyzed correspond to the activation energy of the uncatalyzed reaction. ये uncatalyzed reaction की activation energy है और ये catalyzed reaction की activation energy है. The activation energy is lower when the enzyme catalyzes the reaction. और यही हमने यहाँ देखा है कि जब ये enzyme catalysis हो रहा है, enzyme catalyzed reaction है, तो ये delta G dagger जो है वो ये it is reduced to this much, इतनी सारी ये reduce होगी. So this is the action of enzyme or the catalyst by adding, by reducing the energy of activation of or G double dagger. The role of enzyme is to accelerate the interconversion of substrate to products. अब ये क्या हुआ कि activation energy कम कर दी, हमने catalyst डाल दिया या biological system में enzyme डाल दिया, तो उसने accelerate कर दिया जो हमने कहा था कि 10 raised to power 5 to 10 raised to power 17 जो है ना time stage हो सकता है. That is the enzyme lowers the energy of activation of a particular reaction. कि कैसे किया इसने कि energy of activation को reduce कर दिया, तो उससे जो है ना enzyme का rate बहुत बढ़ गया. The enzyme is not used up in this process and the equilibrium point is unaffected. अब equilibrium point को affect नहीं आ रहा क्योंकि enzyme जो है वो process के अंदर use नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन का जो टाइम है, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा. वो अर्ली जो है ना वो कैटलाइज ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन व्हिच इज प्रेजेंट, व्हिच इज द एनर्जी व्हिच इज प्रेजेंट, हाईएस्ट एनर्जी प्रेजेंट एट द ट्रांजिशन स्टेट. हाउएवर द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम मच फास्टर. अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने रिड्यूस कर दी, तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव बहुत जल्दी कर लिया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो गया और इक्विलिब्रियम बहुत अर्ली अचीव हो गया. व्हेन द एप्रोप्रिएट एंजाइम इज प्रेजेंट, तो ये उसको, उसने इक्विलिब्रियम को एज सच चेंज नहीं किया, उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करके इक्विलिब्रियम अर्ली अचीव कर लिया. बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम अर्ली अचीव हो जाएगा. सो देयर इज नो action of enzyme on equilibrium, but the achievement of equilibrium is faster in the presence of enzyme as compared to uncatalyzed reaction.